हेलो स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर एनालिसिस का आपको फोर्थ लेक्चर करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके थे, जो हमारा गेसेस क्वेश्चन था। आइए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्या कहता है इसे अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, इफ अगर वेक्टर ए वेक्टर बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर आर, जो हमारे पास r वेक्टर है वो दे चुका वेक्टर a cos nt प्लस वेक्टर b sin nt, तो प्रूव डैट आपको इतना करना है और इतना बराबर में आपको इतना करना है। तो हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का क्या कि ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आया है। तो चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अपन पहले सॉल्व करते हैं। और इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, तो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे वेक्टर a और b एक कॉन्स्टेंट वेक्टर है। तो आपके पास यहाँ पर देखेंगे गिवेन में क्या है, वो चीज़ देख लीजिए। जो आपको गिवेन है आर वेक्टर बराबर का, वो है वेक्टर का ए कॉस एन टी प्लस वेक्टर बी साइन एन टी, ये अपने को गिवेन है। अब आपको जो प्रूफ करना है उसमें देखेंगे कि आपको आर वेक्टर को गुना करना है डी आर वेक्टर डी टी से, मतलब इसका डिफरेंशिएशन है। अगर आप इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं और गुना कर लेंगे तो इतना आ जाना चाहिए। तो हम वही काम करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू दी टी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टी के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करते हैं। अगर टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आप बोलेंगे डी आर वेक्टर का डी टी और बराबर का, अच्छा इसका भी डेरिवेटिव करना, मतलब आपको काफ़ी सिंपल है। डी वेक्टर डी टी मतलब वेक्टर ए कॉस एन टी का भी आपको डेरिवेटिव करना है और इसका भी आपको डेरिवेटिव करना है वेक्टर बी साइन एन टी। अब जो बात आएगी कि वेक्टर ए आप बाहर कर देंगे और कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन एन टी, और जो एन गुना में आएगा आप चाहे तो यहाँ पर भी एन लिख सकते हैं, प्लस का आप वेक्टर बी एन और साइन का आपको होता है कॉस एन टी, बस हो गया। आप यहाँ पर से पहले इस वाले को भी लिख सकते हैं वेक्टर बी एन कॉस एन टी और माइनस का वेक्टर ए एन साइन एन टी, ठीक। आपके मन में क्वेश्चंस होगा कि सर आप यहाँ पर से वेक्टर ए को बाहर कर दिया, इसका ये मतलब ये कि नहीं कि कॉन्स्टेंट की तरह काम करता होगा। तो मैं आपको यही कहूँगा, हमारे पास जो क्वेश्चन है कहता है वेक्टर ए और बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर है, इफ लगा दिया, मगर अगर है तो इस तरीके से है, तब हम लोग इस वेक्टर ए को आसानी से बाहर कर पा रहे हैं। अब तो ये डी आर वेक्टर का डी टी अपने को पता हो चुका है। अब हमारे पास जो है उसमें कहता है कि आप एल एच एस पार्ट में ये वाले में देखेंगे तो आर वेक्टर जो है ना, मतलब आपको आर वेक्टर डी आर वेक्टर का डी टी बराबर का। अब इसका जो रिजल्टेंट लाना है स्टूडेंट, वो लाना है आर वेक्टर, आर वेक्टर का मतलब वेक्टर का ए कॉस का एन टी प्लस का वेक्टर बी साइन का एन टी, ओके। डी आर वेक्टर डी टी जो हमारे पास है ये वाला पार्ट है, बट यहाँ पे आपको क्रॉस का रिश्ता देना है। अब यहाँ पर ये चीज़ है, आप इसे भी लिख दीजिए वेक्टर बी एन कॉस एन टी माइनस का वेक्टर ए एन साइन एन टी। अब जो हमारे पास आ गया वो इस तरीके से आ गया, फाइनली आप इसको गुना कर दीजिए, इसको आप इससे गुना करिए, तो वेक्टर ए बी एन क्रॉस का रिश्ता यहाँ पर स्टूडेंट, तो क्रॉस कॉस और कॉस, तो आप बोलेंगे सर क्यों ना हम कॉस स्क्वायर वन टाइम में ही कर दें, क्यों इतना बड़ा लोचा पाले दो तीन मरदा लिखे, कोई मुश्किल नहीं, वन टाइम में भी आप कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस पार्ट को अपन इससे गुना करेंगे, दोनों में वेक्टर ए है, तो आपको एक चीज़ पता है अगर दोनों आपको सेम है तो इसका रिजल्टेंट आपको ज़ीरो होता है। आपकी इच्छा है, आप एक मरतब गुना दिखाकर भी कर सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर से मैं जीरो कर दूँ, वैसे एक्चुअली माइनस का जीरो होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस जीरो भी दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये इससे अगर गुना हुआ, अब ये पार्ट इससे गुना होगा तो फिर प्लस का वैक्टर भी, ये भी वैक्टर भी वैक्टर भी, ये भी जीरो बन जाएगा। अगर इस वाले को हम लोग इससे गुना करते तो माइनस का वैक्टर वी और बीच में क्रॉस का रिश्ता है और ए एन ये साइन 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 स्क्वायर थीटा, ये जो स्टूडेंट हमारे पास आया वो आपको आ चुका वेक्टर का बी क्रॉस का वेक्टर बी एन कॉस स्क्वायर का एन थीटा
सॉरी स्क्वायर एन लिखा चुका है, यहाँ पे स्क्वायर होगा एक्चुअल। अब यहाँ पर जो है माइनस का, अच्छा आप जानते हैं अगर स्टूडेंट वेक्टर ए क्रॉस का वेक्टर बी होता है तो अब इसको आप अगर ऐसा लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, बस माइनस लगाना होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, हम इसे पहले लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वेक्टर बी और वेक्टर ए इज अ एन साइन स्क्वायर एन टी, क्लियर। अब यहाँ पर से ये दोनों क्या है कॉमन आ जाएगा, आप कॉमन ले लीजिए वेक्टर ए क्रॉस का वेक्टर बी, ये ना बिल्कुल, आप इसमें क्या कॉमन है स्टूडेंट, दोनों में एन भी कॉमन है, आप एन भी बाहर कर लीजिए, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एन टी प्लस का साइन स्क्वायर का एन टी। और आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है इसका रिजल्टेंट वन होगा, मतलब एन वेक्टर क्रॉस बी बी वेक्टर, और ये आपको क्या करना था पहला लाइन में प्रूफ करना था, साबित करना था, जो आपका ये प्रूफ हो चुका है। इस वाले में जो है स्टूडेंट और करके जो दिया गया है इसे भी अपने को प्रूफ करना है, क्यों ना हम और वाले को भी प्रूफ कर ले। एंड देखिए एंड में जो है आपको डी टू आर बट्टा का डी, पहले तो मैं बता दूं स्टूडेंट ये हमारा जो है डी आर बट्टा का डी टी जो है ये बराबर है वेक्टर बी एन कॉस एन थीटा सॉरी एन टी माइनस का वेक्टर ए एन साइन एन टी। अब जो बात आगे बढ़ेगी वो होगी डबल डिफरेंशिएशन का, क्यों, क्योंकि इसमें डबल डेरिवेटिव है ना, आप डबल डेरिवेटिव कर लीजिए, आप फिर कर लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू दी टी, तो आपके पास डी टू आर बट्टा का डी टी का स्क्वायर वी बाहर एन बाहर कॉस का माइनस का साइन एन टी एन टी और बाहर का एन, अच्छा एन बाहर यहाँ ना, तो हम यहाँ पे एन स्क्वायर कर दिया, एन गुने का एन एन स्क्वायर हो जाएगा, इसके लिए तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर माइनस है, चलिए ठीक है वेक्टर का ए ये भी एन स्क्वायर कर दीजिए, साइन का कॉस एन टी कॉस एन टी। अब यहाँ पर से दोनों का माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों में एन स्क्वायर भी है, माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो वैक्टर बी साइन एन टी प्लस का वैक्टर ए कॉस का एन टी। अब यहाँ पर जो है माइनस का एन स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है हमें पता है स्टूडेंट, ये वैल्यू जो है हमारा कितना है देखिए, तो ये है आर वेक्टर, मतलब हम इसको यहाँ पर आर वेक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल, ये वैल्यू ही आर वेक्टर का है, आप आर वेक्टर लिख दीजिए, मतलब हमारे पास जो है डी टू आर डी टी स्क्वायर जो इसका फाइनली रिजल्टेंट आप कह सकते हैं, तो डी टू आर वैक्टर, अच्छा ये तो हम फार्मूला बताते हैं तो इसके लिए नहीं मिला ये इसमें, तो आपके पास जो आ चुका है दोनों का डी टी स्क्वायर, इसको अपने पास बुला लीजिए, तो प्लस का एन स्क्वायर आर वैक्टर यही हमको लाना था, और बराबर का आपको जीरो वैक्टर, ये भी आपका प्रूफ हो चुका है, तो ये एक्चुअल क्या था स्टूडेंट प्रूफ था। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 था और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा और मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट पहले आप इसे नोट कर लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो है 11, ये कहता है इफ़ अगर वैक्टर ए जो है इज ए यूनिट वैक्टर तो प्रूव डैट वैक्टर ए क्रॉस का वैक्टर डी ए का आपको जो ये है आपको मोड दे चुका है और ये आपको डी ए वैक्टर का डी टी, आप इसको आप क्या कह सकते हैं मैग्नीट्यूड। अब देखिए और हम लोग एक चीज़ जानते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार अगर चले तो सॉल्यूशन ये कहता है आपको वेक्टर ए क्रॉस का डी ए वैक्टर का डी टी है और यहाँ पर आपको दे चुका है कि वैक्टर ए इज ए यूनिट वैक्टर और एक चीज हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर होगा मतलब वेक्टर ए इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपको वन होगा, क्या ये चीज आप सहमत हैं, बिल्कुल जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा वो वन होगा, दिस इज यूनिट वेक्टर। अब मैं आगे इसमें बात कर सकता हूँ, बिल्कुल अगर आप वेक्टर ए डॉट के वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे आप बोलेंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और स्क्वायर। अब वेक्टर ए के जगह पे आप रख दीजिए वन, मतलब आपको वेक्टर ए डॉट का वेक्टर ए बराबर का हो चुका है वन। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे डेरिवेटिव कर लेंगे, हमें जो है डी ए बट्टे का डी टी चाहिए, कहीं ना कहीं डेरिवेटिव का चक्कर चाहिए, ओके डेरिवेटिव करिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू दी टी टी ना यस। अब बात हो गई कि डॉट में दिक्कत नहीं है, वेक्टर ए को बाहर करेंगे डी ए वैक्टर का डी टी करेंगे,
बीच में प्लस लिखेंगे, वापस से हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर डी ए वेक्टर का डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर जीरो। अब देखिए ये दोनों को एक साथ कर लेंगे, टू ए वेक्टर का डी ए वेक्टर का डेरिवेटिव इक्वल टू का जीरो। आप चाहे तो पहले ये बाद में वो लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था उसमें भी। तो वेक्टर ए डॉट का वेक्टर डी ए बराबर डी टी बराबर का जीरो। हम लोग जानते हैं कि जो आपको डॉट का जो आपको चक्कर होता है वो होता है वेक्टर ए डॉट का वेक्टर बी बराबर जीरो, मतलब आपको क्या हो रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है मतलब आपको परपेंडिकुलर का रिश्ता है, यही ना। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ से कि जो वेक्टर ए जो है, चूँकि हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो वेक्टर ए है परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी ए वेक्टर का डी टी, बिल्कुल हम लोग ऐसा कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब ये क्या है, 90 डिग्री का चक्कर दे रहा है। एक्चुअली यहाँ पर अगर मैं थीटा बराबर बोलूँ तो 90 डिग्री, ठीक, जो एंगल बिटवीन आप कह सकते हैं, एंगल बिटवीन किस में, वैक्टर ए एंड वैक्टर डी ए, इन्हीं की बात होगी ना, बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं थीटा की जगह हमें पता चला। अब हमें जो है स्टूडेंट यहाँ पे क्रॉस दिखाना, वेक्टर ए क्रॉस का डी ए वेक्टर का डी टी, हमें अब क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, आप यहाँ पर से वेक्टर ए क्रॉस का डी ए वेक्टर का डी टी आपको करना है। इसका ये मतलब है, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, आगे मैं बता दूँ ये चीज़ है। आप यहाँ पर से एक काम कर लीजिए, छोटा सा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्या छोटा सा काम है ये, काम ये कहता है अगर हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखूँ, लिख देता हूँ वेक्टर ए, हाँ जी, क्रॉस का वेक्टर बी जो होता है, इन दोनों का आप ये काम करते हैं, मतलब आपको इसको एंगल वाला साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इनटू का साइन थीटा एन कैप, यही ना, एन कैप होता है, यस। तो ये स्टूडेंट क्या होता है, फार्मूला होता है स्टूडेंट। मैं आपको बात करूं तो ये फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला का हम लोग अपना, अच्छा यहाँ पर आपको इसका मोड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैग्नीट्यूड लगाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर से वेक्टर ए क्रॉस का वेक्टर बी जो होगा, आपको वेक्टर ए और ये वेक्टर बी इनटू का साइन थीटा और एन कैप है। अब जो हमारे पास आएगा स्टूडेंट यहाँ पर, ये तो है दोनों में मोड, डोंट वरी, कोई मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पर से पहला वाला को क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इसको मोड में डालिए, दूसरा वाले को भी आप मोड में डालिए। अब ये देखिए, अब यहाँ पर से ये जो है साइन थीटा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और एन कैप भी लिखेंगे, इसमें भी दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ है, दोनों का मोड था लेकिन थीटा की जगह पर हम लोग 90 डिग्री ही इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारा ये 90 डिग्री बन जाएगा, ओके। अब जो यहाँ से रिजल्ट, अच्छा मोड का मोड है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये मैग्नीट्यूड है, जो एक चीज़ हमें तो पता है, ये तो आपको वन होता है, तो ये जो है ना यूनिट वेक्टर आपका कितना हो चुका, वन हो चुका है ना, मतलब आपको जो है ये तो वन हो जाएगा, ये डी ए वैक्टर का आप डी टी बोलेंगे। अब यहाँ पर से इस चीज़ की बात कर ले तो ये भी वन, और एन कैप पहले से आपको ये यूनिट वेक्टर है तो इनकी कहानी ख़त्म, ये भी वन, डी ए वैक्टर का डी टी आपके पास यहाँ पर बन चुका है। तो ये जो था आपको LHS बराबर का जो था आपको RHS करना था, जो आपका प्रूव्ड हो चुका है। सर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कोई दिक्कत नहीं था, हमें यूनिट वेक्टर लिख कर दिखा दिए, पहले तो डॉट में देख लिए क्या चक्कर था, अब हमने क्रॉस में भी इसको चेक कर लिया। और यहाँ पर एक चीज़ है, हाँ जी, अब हो चुका है ये क्वेश्चन आपका प्रूफ। अब हम क्वेश्चन जो है इसमें आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है, इवेलुएट डी बट्टा का डी टी आर वेक्टर डॉट बी आर वेक्टर डी टी क्रॉस का डी टू आर वेक्टर का डी टी स्क्वायर। तो हमें इसको क्या करना है, इवेलुएट करना है, इनका सॉल्यूशन बनाना है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस छोटा छोटा काम करेंगे, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है इसमें। तो देखिए आप देखेंगे इस क्वेश्चन में तो इवेलुएट डी बट्टा का डी टी की बात कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको जो है डी बट्टा का डी टी आर वेक्टर का डी आर वेक्टर का डी टी क्रॉस का डी टू आर वेक्टर का डी टी स्क्वायर, ये है हमारे पास, बिल्कुल ये है। आप कुछ समय के लिए इसे आप लेट कर लीजिए u और इसे v मान लीजिए, तो हमारे पास जो आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ डी बट्टा डी टी u डॉट का v, सॉरी क्रॉस v, मतलब आप u को डेरिवेटिव डी वी बट्टा का डी टी प्लस का जिसको डेरिवेटिव किए उसको लिखेंगे और क्रॉस का डी वी बट्टा का डी टी, यही ना,
हाँ जी, ये सब क्रॉस वाला फार्मूला होता है। अब हम लोग इस फार्मूला को यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे। चलिए ठीक है, आप यहाँ पर से एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले आप यू वाले को बाहर कर देंगे, डी आर वेक्टर का डी टी कोई दिक्कत नहीं है, रिश्ता इसका क्रॉस का लगाना है, और डी क्रॉस के साथ तो इसका ना डी टी और यहाँ पर डी टू आर वेक्टर का डी टी स्क्वायर। हाँ जी, अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे क्या चीज़ स्टूडेंट, प्लस का, तो प्लस यहाँ पर लगाएंगे। चलिए ठीक है, प्लस यहाँ पर लगा लेते हैं प्लस। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, ओके ये वाले का अब फार्मूला के अनुसार आप डी यू बट्टा डी टी मतलब आपका जो है यू वाले का डेरिवेटिव करना, मतलब आर वेक्टर यहाँ पे हमको जो है डी बट्टा का जो डी टी लिखा हुआ है लिखेंगे आर वेक्टर डी आर वेक्टर का डी टी, मतलब इसका डेरिवेटिव करना है, और क्रॉस का रिश्ता देना है फिर डी भी, ओके यहाँ पर भी लिखाएगा मल्ली भी हमारा जो है डी टू आर वेक्टर का डी टी स्क्वायर। ये तो स्टूडेंट आपका फार्मूला था जिसे हमने यहाँ पर दिखाया था, ठीक है मैं इसे मिटा देता हूँ, ये फार्मूला था जिसे आपको ऊपर अप्लाई कर दिए। ठीक है, आगे मैं इसमें बात करूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आर वेक्टर है और डी आर वेक्टर डी टी क्रॉस है, दिक्कत नहीं है, ये आपको डी का पावर थ्री मतलब डी थ्री बट्टा का डी का पावर थ्री मतलब टी का पावर थ्री नहीं डी टी क्यू। अब यहाँ पर इस वाले की बात करें तो इसमें भी आपको पर्सनली यू इंटू भी लगेगा, अलग अलग इसमें भी होगा, तो आप क्या करेंगे डॉट में, दिक्कत नहीं है आर वेक्टर को अलग करिए डी बट्टा का डी टी क्यों, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते सर, डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं डी टू आर वेक्टर का डी टी स्क्वायर, फिर प्लस इसको रहन देंगे और वापस से आर का डेरिवेटिव कर देंगे मतलब डी आर वेक्टर का डी टी, ओके मुश्किल नहीं है। फिर आप हाँ जी, ये गुना में लिखा हुआ है स्टूडेंट डी टू आर बट्टा का डी टू आर डी टी स्क्वायर, ये टी है एफ नहीं है टी है ये। अब यहाँ पर से जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो आर वेक्टर का डी आर वेक्टर का डी टी क्रॉस का डी थ्री आर वेक्टर का डी टी का पावर थ्री प्लस का, आप इसको क्या कर लीजिए इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब आपको आर वेक्टर डी टू आर वेक्टर बट्टा डी टी क्रॉस का डी टू आर वेक्टर बट्टा का डी टी स्क्वायर, ओके बीच में वापस से प्लस है लगा दीजिए डी आर वेक्टर डी टी डी आर वेक्टर का डी टी क्रॉस का डी टू आर वेक्टर का डी टी स्क्वायर। चलिए इस वाले में हम नेक्स्ट प्रोसेस जो करेंगे आर वेक्टर डी आर वेक्टर डी टी क्रॉस का डी थ्री आर वेक्टर डी टी का पावर थ्री प्लस, ये दोनों की बात करें स्टूडेंट ये तीनों आपको बॉक्स प्रोडक्ट का फीलिंग दे रहा है, नहीं बॉक्स प्रोडक्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं, मतलब आपको आर वेक्टर डी टू आर वेक्टर बट्टा का डी टी स्क्वायर है, हाँ जी स्क्वायर तो होना लाजमी ही है, और यहाँ पे डी टू आर वेक्टर का डी टी स्क्वायर, बॉक्स प्रोडक्ट का ये फीलिंग इसलिए दे रहा है स्टूडेंट क्योंकि देखिए ना आर मतलब ए डॉट का बी क्रॉस सी होता है मतलब बॉक्स प्रोडक्ट राइट। अब आप इसके साथ भी काम कर सकते हैं डी आर वेक्टर का डी टी, और ये वाला पार्ट है इसको भी लिख सकते हैं डी आर वेक्टर का डी टी, इसको भी डी टू आर वेक्टर का डी टी। अब हमारे पास जो आएगा वो आएगा स्टूडेंट ये जो पार्ट है आपका ये तो सिमिलरली रहेगा, इसके साथ तो आप अभी कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपका आंसर ही है डी थ्री आर वेक्टर का डी टी क्यू बीच में प्लस, ये जो रिजल्ट आएगा आपको जीरो हो जाएगा। देखिए बॉक्स प्रोडक्ट का एक एक अपना प्रॉपर्टीज है कि अगर उसमें कोई दो एलिमेंट सेम हो जाए मतलब ये दोनों क्या है सेम है और इन दोनों में ये दोनों सेम है मतलब अगर वो सेम चीज़ हो जाए तो आप उसे जीरो लिख सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट का, ये आपको बहुत खूबसूरत सा प्रॉपर्टीज है ठीक, तो दोनों आपका जीरो हो चुका है। तो आप फाइनली अगर रिजल्टेंट की बात करें तो यही बचा आपके पास आर वेक्टर का डी आर वेक्टर का डी टी क्रॉस का डी थ्री आर वेक्टर का डी टी का पावर में थ्री, तो ये जो स्टूडेंट आया ये आपका इनका सॉल्यूशन आया। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, हमने टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 12 तक सॉल्व किया। तो स्टूडेंट आज की कहानी को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके टेक केयर बाय बाय।